पति के वस्त्र धोने वाली माताएं एक बार जरूर सुने, ध्यान से सुनेगा। और जो माताएं पति के वस्त्र धोती है ना, वो माताएं इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। देखिए, शास्त्र कहता है पति का सेवा करना नारी का धर्म है। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पर एक दूसरे के हर दुख हर परेशानी समझ लिया जाता है। अब जो माताएं पति की सेवा नहीं करती वो भी देखें, और जो सेवा करते हैं वो भी देख लीजिएगा। पति का सेवा करना पत्नी का धर्म है। पति जैसा कह दे वो पत्नी को कर लेना चाहिए, और पति भी ऐसा हो कि जो अपने पत्नी का सम्मान करें, पत्नी का ख्याल रखें। कहा जाता है कि जब पति घर से बाहर जाए और बाहर काम से घर में वापस आए, तो पत्नी का कर्तव्य बनता है, कुछ भी काम कर रही हो, अपने घर की सफाई कर रही हो, भोजन बना रही हो, कुछ भी कर रही हो, तो थोड़ा सा पति के पास में जाएं और जलपान कराएं और भोजन की व्यवस्था कर दें। ये पत्नी का कर्तव्य होता है। अगर पति ऑफिस जाने लगे तो पत्नी का कर्तव्य होता है कि उनके लिए सुंदर वस्त्र दें, वस्त्र धो भी सकते हैं, और पति के लिए आप सुंदर वस्त्र प्रेस करके दे दें। लेकिन याद रहें, घर की नारी जो होती है, घर की पत्नी जो होती है, वो 24 घंटे मेहनत करती हैं, काम करती हैं, अपने घर को सजाती हैं, बच्चों का ख्याल रखती है, पति का ख्याल रखती है, सास ससुर का ख्याल रखती है। लेकिन पति को भी चाहिए कि पत्नी का ध्यान रखें। लोग क्या करते हैं, स्वयं अपना अपना काम देख लिया और खाली हैं, कुछ घर का काम नहीं करते तो मोबाइल चला करके बैठ जाते हैं। स्नान करने बाथरूम में गए, अपना कपड़ा जो होता है, स्वयं धारण किए वाला जो वस्त्र जो होता है, नहाने के बाद सब कपड़े बाथरूम में फेंक करके आ जाते हैं। ऐसे में सभी को ध्यान देना चाहिए। जितने बाबा लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने पुरुष भाई लोग सुन रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप, आपकी पत्नी 24 घंटे काम करती तो आप भी थोड़ा सा अपना कपड़ा धो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरे कपड़ा धो लो, लेकिन कमर से जो नीचे का वस्त्र है वो आपको स्वयं को धोना चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। और बच्चों के लिए भी यही कहना चाहती हूँ, बड़े बड़े बच्चे हो गए, 17-18 साल के बच्चे हैं, लेकिन नहा करके ऐसे ही बाहर आ जाते हैं, दो कपड़े स्वयं धो करके सुखा नहीं सकते। घर में रिश्तेदार आए हैं, अतिथि आए हैं, और माँ भोजन बना रही है, भोजन बनाया, आवाज लगाया, भोजन करने आ जाओ, रिश्तेदार आए हैं तो उनको भी स्वयं भोजन देना। एक पत्नी क्या क्या करेगी, एक नारी के कितना भार है। देखिए, भोजन बनाना, स्वयं को, रिश्तेदार को भोजन खिलाना, भगवान को भोग लगाना, बच्चों को खिलाना, पति को खिलाना, सबको खिलाना, क्योंकि घर में जितने रह रहे हैं ना, सब तो अपना बस मोबाइल देखते हैं, माँ की ओर देखते ही नहीं है, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं, वीडियो बनाना, मोबाइल देखना, मोबाइल चलाना, अन्य काम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक माँ, एक नारी कहाँ तक काम करेगी, पूरे काम संभाल रही, आपका भी कर्तव्य बनता है थोड़ी देर माँ के हाथ बटाएं, थोड़ी देर रसोई घर में जाके काम करें। अगर माँ भोजन बना रही कि तो दो चार बर्तन धो दें, माँ रिश्तेदार को भोजन करा रही, घर की सफाई कर रही, तो अपने वस्त्र स्वयं धो लें। कम से कम कमर से नीचे का वस्त्र जो होता है स्वयं धोने की नियम बनाओ। और माताएं भी थोड़ा सा अपने परिवार वालों को कह दो कि तुम भी थोड़ा कर लिया करो, हम भी थोड़ा सा कर लेंगे, मिलकर के काम करेंगे तो बहुत आसान होगा। ऐसा करने से प्रेम भावना भी बढ़ जाता है। अगर सब साथ मिलके काम करते हैं तो रिश्तों में मिठास आता है, और घर में सभी से बातचीत करते समय हमेशा
सम्मान से बात करें, कभी एक दूसरे को गाली ना दें। देखो जिस दिन झगड़ा भी करोगे तो थोड़ा सा आप कह करके लड़ लिया करो। क्या होता है जब आप कह करके लड़ाई भी करोगे तो रिश्तों की जो मिठास है ना वो कम नहीं होता। जिस दिन तू तड़ाक हो गया ना रिश्ता खोखला हो गया। इसलिए अगर अपने रिश्ता को सुंदर चलाना हो तो शब्दों की मर्यादा का ध्यान दें, दूसरे का अपमान करना छोड़ दें, प्रेम भाव बना रहेगा। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम सुंदर रूप से चलेगा। प्यार से बोल दीजिए राधे राधे।